हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है गार्डन के डेली अपडेट में। आज बहुत अच्छा मौसम है, बिल्कुल साफ, बहुत अच्छी धूप निकली है। और आज मैंने अपने बालकनी का फुल टूर, सारे प्लांट्स के नाम दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो डाला है, कौन कौन से पौधे अभी लगे हैं, आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। तो दोस्तों देखिए, हमारी जो खीरे की बेल जो दूसरी हमने लगाई थी उस पर फूल आ गए हैं आज, और जो करेले की बेल है उस पर तो एक साथ ही चार चार करेले वाले फूल आए हैं, लेकिन एक भी मेल फूल नहीं है। तो मुश्किल है इनका बड़ा होना, लेकिन कोई बात नहीं, और लगेंगे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, शुरुआत में ही चार चार फीमेल फ्लावर आए हैं इस करेले की बेल पर। अभी मैं जल्दी से पानी दे दूंगी, आज मुझे इंडोर ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले इंडोर सभी प्लांट्स पर मैं स्प्रे करूंगी। आज स्प्रे करना बहुत बढ़िया रहता है प्लांट्स पर, इंडोर प्लांट्स पर तो बहुत ही बढ़िया ये असर करता है। चारों तरफ नमी बनी रहती है प्लांट्स के, तो इससे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। जितनी भी हैंगिंग बास्केट्स हैं या फिर जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उन पर अगर स्प्रे करते हैं तो। स्प्रे करने से पौधों की पत्तियां बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं और पौधे बहुत ही अच्छे तरह से तेज ग्रो भी करते हैं। अभी मैं पानी लगा रही हूँ, कुछ प्लांट्स में पानी देना है, सभी में नहीं। उसके बाद मैं कुछ बॉटल्स मैंने बनाई हैं उसमें मनी प्लांट लगाऊंगी, और एक मुझे गमला भी रिपोर्ट करना है। तो आज तो मैंने अपनी ट्रे यहाँ पर रख ली है, इसी में मिट्टी का काम करूँगी। तो ये जो टेबल कामनी का प्लांट है इसको मैं सेरेमिक पॉट में लगाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ। धीरे धीरे करके ऐसे ही रोज़ एक एक प्लांट मैं चूज़ करती रहूँगी कौन सा मुझे उनमें लगाना है। एक दिन में फिर ज़्यादा काम हो जाता है, तो ये प्लांट अच्छा लगेगा उसमें लग के। और इसको मैं इंडोर ही रखूँगी क्योंकि अंदर धूप आती है, तो धूप वाली जगह पर मैं इसको रख दूँगी। नीचे होल है उसमें मैं नीचे ये टूटे हुए गमले का टुकड़ा रख दूँगी ड्रेनेज होल पर, और मिट्टी इसकी अच्छी बनी हुई है, कोकोपीट सैंड और कंपोस्ट और हल्की सी मिट्टी, ये मिक्सचर है इसका, तो काफ़ी हल्की और सॉफ्ट मिट्टी है। तो यही इसमें मैं सेरेमिक पॉट में डाल दूँगी। कई पॉट मैं लाई हूँ सेरेमिक, तो धीरे धीरे करके मैं उसमें प्लांट्स लगाऊँगी जो जो मुझे अच्छे लगेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें लगने के बाद ये कितना सुंदर लगने लगा है। तो सही कहते हैं, पौधे की सुंदरता पॉट अच्छा हो तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है इसमें लग के। तो कल मैंने एक बोतल पड़ी थी उससे दो कंटेनर बनाए थे। जो भी बोतल घर में रहती है उनसे हम अच्छे खासे कंटेनर बना सकते हैं, और कोई भी हैंगिंग प्लांट उनमें लगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट या फिर और भी बहुत सारे प्लांट हैं। तो दो भागों में इसको काट लिया है, दोनों तरफ होल कर लिए हैं बांधने के लिए, और नीचे चार पांच ड्रेनेज होल कर लिए हैं ताकि पानी निकल जाए। तो इसको हम कहीं भी फिर इसको टांग सकते हैं, और एक बोतल से हमारे दो बन गए हैं। ये मिट्टी इसमें मैंने कोकोपीट कंपोस्ट और रेत ये ली है, और थोड़ी सी मिट्टी है उसमें, इसका मिक्सचर लिया है।
तो देखिए अब इसमें मैं कोई भी रस्सी बांध लूँगी ताकि इसको मैं कहीं भी टांग सकूँ। और इस पर हम चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं, पेंट आज मैं नहीं करूँगी, फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो कर लूँगी। वैसे ये ऐसे भी काफ़ी अच्छी लग रही है। दोनों को मैं इसी तरह से बांध लूँगी। अभी मैं मनी प्लांट की कटिंग ले लूँगी अपने इस मनी प्लांट के पौधे से। इस कटिंग को हम इसमें लगा देंगे। ये कटिंग आराम से 15 दिन के अंदर चल जाएगी और जैसे जैसे कटिंग बड़ी होगी तो इस बोतल में से लटकेगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। फिर मनी प्लांट बहुत ही जल्दी चल जाती है और कहीं भी हम इसको टांग सकते हैं। अब मैं इनमें पानी लगा दूंगी और एक बार इनका ड्रेनेज होल भी चेक कर लेंगे, अच्छे से पानी दे देंगे एक आज पहली बार, और फिर दोबारा हम देख के ही पानी देंगे कि ओवर पानी ना हो, मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही पानी दें। देखिए पानी निकल गया है दोनों बोतल में से, तो इनके ड्रेनेज होल बिल्कुल ठीक हैं। इसमें भी मैं पानी लगा दूंगी और इनको अपनी अपनी जगह पर टांग दूंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इनको विंडो पर टांग दिया है, एक को थोड़ा ऊंचा टांगा है और एक को थोड़ा नीचे। तो इस तरह से हम अपनी विंडो पर या फिर कहीं भी इनको टांग सकते हैं, और जैसे जैसे बड़ी होंगी तो इनकी सुंदरता तभी ज़्यादा बढ़ती है जब ये हैंग करती हैं। और जब भी टाइम मिलेगा तो इन पे मैं पेंट कर सकती हूँ। अभी मैंने इनको ऐसे ही टांग दिया है और देखिए ये पौधा भी हमारा कितना सुंदर लग रहा है इसमें लगने के बाद। वास्तव में पॉट से काफ़ी सुंदरता बढ़ जाती है पौधे की। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज यही सब किया, मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।